A low competition method to use 577 million monthly traffic and you can earn money with this. How can we do? ये देखेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में और मैं आज बताने वाला हूँ आपको एक बेहतरीन मेथड जिसमें कि आप 577 मिलियन जो ट्रैफिक मंथली जिस प्लेटफॉर्म पर आता है उसका एक लो कॉम्पिटिशन मेथड के जरिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की कह सकते हैं, क्लिक बैंक या डिजिटो 24 की आप कह सकते हो एक लो कॉम्पिटिशन कैटेगरी। बहुत से लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, इंस्टाग्राम पर भी मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं कि सर आप ही बता दो कि लो कंपटीशन कैटेगरी, क्योंकि मैंने लोगों को कहा ना कि आप हेल्थ एंड फिटनेस के साथ मत जाओ, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है अगर आप फ्री मेथड्स का यूज करते हैं। तो कुछ लोगों का वहाँ पर कहना है कि आप ही हमें कुछ सजेस्ट कर दो जिसमें कि लो कॉम्पिटिशन हो और हम उसको है फ्री ट्रैफिक से भी कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर पाएँ। तो आज की वीडियो में वही मैं बताने वाला हूँ और साथ साथ आपको एक बेहतरीन मैं ट्रैफिक सोर्स भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप सब जानते हैं पर आपको उसे इस तरीके से यूज करना है तो कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हो जाएगा आपके लिए और आप लंबे समय तक उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने लिए एक बढ़िया सोर्स वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बढ़ते हैं आगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स फ्यूचर में मिलते रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इस चैनल पर यही बताता हूँ कि लोग ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए किन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, किन तरीकों का और कौन से ऑनलाइन अर्निंग के सही रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। तो उनमें से एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक फील्ड कह सकते हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ समय होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप अमेज़न के साथ शुरू कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लिक बैंक और डिजिस्टोर के अंदर कौन सी कैटेगरी आप लेके चल सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, ताकि आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन को फेस ना करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो सीधा जाते हैं हेल्थ एंड फिटनेस में, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ में भी मैं यही बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ तो हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट्स का ही लेता हूँ। उनमें कन्वर्जन वगैरह ज़्यादा दिखाया होता है, आपका जो कमीशन वगैरह उसमें ज़्यादा दिखाया होता है, बेसिकली उसी के चक्कर में आप लोग उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाके प्रमोट करो, अगर आप एड्स भी रन कर रहे हो तो भी उसमें कॉम्पिटिशन है, तो बहुत सारा कंपटीशन है। अगर आप बिगिनर हैं और फ्री ट्रैफिक सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक अपना जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी पर आप काम कर सकते हैं अगर आप डिजिस्टोर या फिर क्लिक बैंक के साथ काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर है सबसे बेस्ट कैटेगरी डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप, ये कन्वर्टिंग भी है और इसमें कॉम्पिटिशन काफी हद तक कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है कॉम्पिटिशन, बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन तो है इसमें, क्योंकि ये कन्वर्टिंग कैटेगरी है और एक कह सकते हैं सदाबहार कैटेगरी, हमेशा ही ये चलते रहने वाली कैटेगरी है। लेकिन उसमें हेल्थ एंड फिटनेस से बहुत ही कम इसके अंदर कंपटीशन है। तो आपको क्या करना है, शुरू में आपको डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप से आप काम स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फैमिली एंड किड्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे आइए, यहाँ पर आप पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर चल सकते हो जिसमें कि मैनिफेस्टेशन वगैरह के प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर भी काफ़ी यू नो कॉम्पिटिशन तो है बट वो कहीं ना कहीं ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस तो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर पर आप जो है काम कर सकते हैं, इन पर बहुत ही मतलब ना कई बार तो ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको कि पर्टिकुलर लोग उनके नाम से उनको जानते हैं, उसको सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं दिखता है, आप जहाँ पर प्रमोट कर रहे हो तो कन्वर्जन के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके अंदर सर्वाइवल और ट्रैवल की भी बहुत अच्छी कैटेगरी है ना, अगर एक टारगेट ट्रैफिक पर आप प्रमोट कर रहे हैं ना, जो ट्रैवल या फिर जो होता है सर्वाइवल, ये जो कैटेगरी है ये भी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इनके बारे में भी सोचो, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डिजिटल में मिल जाती है, डिजिटल में भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे सो वी हैव 13 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 13 रिजल्ट्स हैं और बहुत ही कन्वर्टिंग यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन जाते हैं क्लिक बैंक पर, तो क्लिक बैंक पर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में कितनी सारी कैटेगरीज हैं। इसके अंदर आप जाओगे यहाँ पर सेल्फ हेल्प के अंदर, तो यहाँ पे देखो इसके अलावा काफ़ी सारी इसके अंदर सब कैटेगरीज में मिल जाएंगी आपको, अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पे देखो सेल्फ डिफेंस, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल फाइनेंस, मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैरिज रिलेशनशिप, इसके अलावा जनरल है और यहाँ पे डेटिंग गाइड्स है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर ऑफर्स मिल जाएंगे जो कि हाई कन्वर्टिंग ऑफर्स होते हैं और उनके अंदर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। यहाँ पे देखो एजुकेंसी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और अच्छा खासा कमीशन भी है उनमें। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एक ह्यूज पोटेंशियल वाले, यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रैफिक आता है उस प्लेटफॉर्म का, आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़े। तो इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ क्योरा में। क्योरा आप सब जानते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्योरा का ट्रैफिक, जो मंथली विजिट्स हैं यहाँ पर 577.30 मिलियन है, यानी कि 577.30 मिलियन मंथली ट्रैफिक है। ओके, हाउ कैन वी यूज
वैसे तो अगर आप सीधा अगर आपको कहूँ कि आप आंसर दीजिए तो हो सकता है आपका लिंक वहाँ पर बैन हो जाए। आप अपना अगर कहूँ सीधा आंसर आप देते हो तो हो सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। काफ़ी सारी पॉलिसीज वगैरह का हमें ध्यान रखना होता है, हम एफिलिएट लिंक डालने वाले हैं ना, तो इन सब चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। पर जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप वहाँ पर लिंक दे सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कि आप अपना लिंक जो है वहाँ पर पोस्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी कम्युनिटी वहाँ पर बिल्ड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन रहता है स्पेस का, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना स्पेसेज, तो आप यहाँ पर स्पेसेज पर लैंड हो जाओगे, ठीक है। ये देखो ये स्पेसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर स्पेस लाइक एक ग्रुप की तरह होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑल अबाउट क्रिप्टो, ये एक वीडियो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देखोगे इनमें अच्छे खासे मेंबर्स हो सके, जैसे स्टॉक मार्केट वाला देखोगे अगर आप इस पर आप कर्सर को लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर यहाँ पे देखो लगभग 150K से भी ज़्यादा इसके अंदर जो है फॉलोअर्स हैं। इसी हिसाब से आपको हर एक कैटेगरी के यहाँ पर स्पेस मिल जाएंगे जिसके अंदर लाखों मेंबर्स होते हैं। अब ये लाखों मेंबर आपको ऐड नहीं करने हैं, आपको बस अपने स्पेस को क्रिएट करना है, उस पर रेगुलर काम करना है, थोड़ा समय देना। जैसे ये देखो वेट लॉस से संबंधित है, यहाँ पर 79,000 यहाँ पर मेंबर्स है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे हेल्थ एंड फिटनेस में तो बहुत कॉम्पिटिशन, यहाँ पर देखो 18,000 है ना। तो आपको स्पेस क्रिएट करना है, उस पर रेगुलर काम करना है, आपके साथ डेफिनेटली ऑडियंस जुड़ेगी। अब किस टॉपिक पे क्रिएट करना है वो तो मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि लव डेटिंग रिलेशनशिप को लेके चलिए, उसमें कंपटीशन बहुत कम है। कैसे ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर अपन सर्च करें ना, जैसे वेट लॉस अगर यहाँ पे सर्च करें तो चलिए यहाँ पर मैंने वेट लॉस सर्च किया है। आप किसी और टर्म को भी यहाँ पर किसी और कीवर्ड को भी सर्च कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास कैटेगरीज है ना उनको सर्च करके देखिए, हो सकता है कि आप इससे भी कम कॉम्पिटिशन को फाइंड कर लो। ओके, यहाँ पे वेट लॉस हमने सर्च किया है। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में फिल्टर्स हैं तो आपको करना है यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन है स्पेसेस का, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपके सामने सारे ही वो स्पेसेज आ जाएंगे जिनके अंदर ये कीवर्ड है वेट लॉस, ठीक है, यानी कि वेट लॉस पर जो भी इसके अंदर बने हुए हैं ना, ये वेट लॉस भी एक पर्टिकुलर हेल्थ एंड फिटनेस की अगर देखा जाए ना तो एक माइक्रोनिच कह सकते हो, एक वेट लॉस भी एक माइक्रोनिच की तरह ही है। अब हेल्थ एंड फिटनेस में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी उसके अंदर कीवर्ड्स बनते हैं, लेकिन उसमें से एक वेट लॉस एक है सिर्फ, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्पेसेज, आप खुद चेक करिएगा, यहाँ पर ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली है, बहुत ही सारे यहाँ पर स्पेसेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो स्क्रॉल डाउन करते रहो, ये स्पेसेज यहाँ पर आते रहेंगे क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्पेसेज हैं इसके अंदर, आप किसी और कीवर्ड को भी सर्च करके देख सकते हो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। हेल्थ एंड फिटनेस के अलावा भी आपको कोई और सारे जो है आपको कीवर्ड सर्च करके देख सकते हो, आपको फाइंड करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी रिसर्च करिए, आपको हो सकता है इससे भी कम आपको कंपटीशन वाला कोई कीवर्ड मिल जाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वहीं अपने यहाँ पर सर्च करते हैं लव एंड रिलेशनशिप, आप डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप भी सर्च कर सकते हो, लव एंड रिलेशनशिप भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। इस कैटेगरी को यहाँ पर सर्च करके देखते हैं कितने इसमें हमें कितने सारे स्पेसेस दिखते हैं। बाई डिफॉल्ट हमने यहाँ पर स्पेसेस पे क्लिक किया हुआ है तो हमारे सामने वही आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कॉम्पिटिशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो 7 followers, 16 followers, 1 follower, 1 follower, ये सब कॉम्पिटिशन से बाहर आपके लिए। देखो 0 follower, 0 follower, ये टॉप इसके अंदर जो स्पेसेस हैं वो हैं। अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूँ ना मैं यहाँ पे अपने इसको स्क्रॉल करके देखते हैं और कितने सारे इसके अंदर स्पेसेज है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देख और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते रहोगे तो आपको पता चलेगा ये लिस्ट जरूर है, डेफिनेटली यहाँ पे जल्दी एंड होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा और डाउन करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पर जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कितने ही रिजल्ट्स इसके अंदर हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस एंड हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ सर्च करके देखोगे ना टर्म, तो आपकी ये लिस्ट एंड नहीं होगी, उसके अंदर आपको हजारों लाखों उसके अंदर स्पेसेज मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, और जो स्पेसेज है ना उसके अंदर देखो बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं। आप देखोगे तो इसको मैं टॉप पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो 25 followers, 1 follower, 2 followers, 1 follower, 1 follower, ठीक है। तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर आप अपना एक परफेक्ट और प्रोफेशनल स्पेस यहाँ पे क्रिएट करते हो, उस पर वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते हो रेगुलर, तो आपको यहाँ पर अच्छी ऑडियंस मिल सकती है और आप उसमें इजीली अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे स्पेस क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है होम पे, वापस चलते हैं अपने होम पे क्योरा के। ओके, तो अभी हम होम पे आ चुके हैं क्योरा के, तो यहाँ पर आपको देखो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट स्पेस। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो आप इसमें जाओगे ना जब स्पेसेज में, तो ऑल स्पेसेज पे क्लिक करना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बना रखा है ऑल अबाउट कीटो, और अभी आप यहाँ पे देखो क्रिएट स्पेस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने स्पेस का नाम रखना है, तो बेसिकली आपको अपने स्पेस के नाम में कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप टिप्स, हमने ये इसका नाम रखा है और दिस नेम इज अवेलेबल, जो नाम किसने पहले ले रखा है आप वो नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर। आप देखो ये परफेक्ट है, इसके अंदर हमारे कीवर्ड्स है देखो डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप एंड टिप्स ऑल्सो,
तो इसके अंदर दो तीन कीवर्ड्स हमने इंक्लूड कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन और भी बेटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा हम डिस्क्रिप्शन लिख भी नहीं सकते हैं, तो छोटा सा आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी है अपने डिस्क्रिप्शन। आप उसमें भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर नाम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है अपने अकाउंट से जो है मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको स्किप इंपोर्टिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, कुछ ऑप्शन है यहाँ पर इनवाइट करने के पर्टिकुलर, तो इसको भी अपन स्किप कर देते हैं। आप इन सबको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये स्पेस है वो इजीली यहाँ पर जस्ट एक मिनट के अंदर अंदर ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी जो है इसके कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसका लोगो बदल सकते हो, इसकी कवर फोटो बदल सकते हो। वो कैसे करोगे, जैसे कि एडिट विजुअल ऑफ योर स्पेस, इस पर आप ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट विजुअल, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये सिंपल सा यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि स्पेस कलर आप सेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, आप जो भी कलर यहाँ पर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। लाइक अगर मैं इस कलर पे जाना चाहता हूँ तो मैंने इस कलर पे टिक कर दिया, इस प्रकार के कलर जो है वो पूरी अपनी थीम जो है बन जाएगी। उसके बाद आइकन है, इस पर क्लिक करके आप अपना आइकन अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैंने आइकन या आप लोगो कह सकते हो वो यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कवर फोटो है, इस पर आप क्लिक करना है और अपनी कवर फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो इजीली। चलिए तो यहाँ पर हमने कलर सेट कर दिया, इसका लोगो लगा दिया, इसकी कवर इमेज यहाँ पर लगा दी, उसके बाद इसको डन कर दीजिए यहाँ से। ओके, अब देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप टिप्स लोगो है हमारा और परफेक्ट यहाँ पर हमने कवर इमेज लगा दिया। आप इससे बेहतर इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो ऐड योर फर्स्ट स्पेस पीस ऑफ कंटेंट, यहाँ पर हमें कंटेंट इनवाइट करना लोगों को तो कर सकते हो, शेयर योर स्पेस। अब आप ऊपर देखोगे ना URL बार में, तो आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पर URL क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो URL है वो क्या है, डेटिंग लव एंड रिलेशनशिप टिप्स .quora.com, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हो, इसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स आप डाल सकते हो। कैसे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है, इनवाइट है, पीपल्स है, अर्निंग है, इसके अंदर क्यूई है, सेटिंग है, बहुत कुछ है इसके अंदर जानने को लेकर के। तो आप इसको जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात ये है कि अब आपको इस पर काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना, आपको रेगुलर इसके अंदर कंटेंट डालना पड़ेगा, टिप्स आपको देनी पड़ेगी रिलेशनशिप पर, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर डेली पोस्ट करना पड़ेगा। कैसे आप पोस्ट कर सकते हो, इसके लिए आप जस्ट जाइए गूगल में और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं डेटिंग टिप्स फॉर न्यू रिलेशनशिप, इस पे आप सर्च करिए तो आपको गूगल पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अपन इसको नई टाइम में ओपन कर लेते हैं, चलो यहाँ से देखो ये पेज जो है ओपन हो चुका है, इसकी वेबसाइट जो है खुल चुकी है। तो यहाँ से इस कंटेंट को अपने यहाँ से छोटा सा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको एज इट पोस्ट नहीं करना है, ठीक है, आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। अभी मैं तो एग्जांपल के तौर पर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। पर आपने क्या करना है, चाहे तो आप थोड़ा स्पिन कर लीजिए इसे किसी भी स्पिनर टूल से, या आप इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, वरना फिर वो रैंक तो करेगा नहीं गूगल में ये, क्योंकि आपको पता है क्योरा गूगल में भी रैंक करता है, ठीक है। तो ये आपने ऐसा करना है कि थोड़ा बहुत चेंजेस उसके अंदर करने हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास पोस्ट का सेक्शन है, इस पर आपने क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने कुछ लिखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसे, ओके, इसको यहाँ पर एंटर प्रेस किया मैंने और अब अपने चलते हैं वापस और वहाँ से कुछ और डेटा जो है वो टिप्स जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे। बेसिकली ये काफ़ी लंबी यहाँ पर टिप्स बताई हुई हैं, तो आप इसके अंदर काफ़ी लंबा कंटेंट भी डाल सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना सा यहाँ से कंटेंट ले रहा हूँ और जो मैंने आपको बताया कि आपने उस तरीके से इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डाल दो, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ पहले क्वेश्चन डालो इसके अंदर, उसके बाद उसका आप खुद से ये आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर, बस आपको क्या करना है इसे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको पोस्ट क्रिएट करते जाना है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही यहाँ पर टिप डाली है, आपको वो पूरी टिप्स यहाँ पर उठा करके डालनी है, थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस करने हैं, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको रेगुलर इसके अंदर कंटेंट पोस्ट करना है। अगर आप इसके अंदर लिंक भी देना चाहते हो तो वो कैसे दे सकते हो, तो सिंपली दे सकते हो वैसे ही। चलिए मैं कुछ और कंटेंट यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली हमें करना ये चाहिए था कि जो मैं अभी टिप सेकंड टिप जो अपलोड कर रहा हूँ वो हमें एक में करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक अलग से एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं करना, जस्ट इसलिए कि हम यहाँ पर लिंक लगा पाएँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने कॉल टू एक्शन बटन लगाया यहाँ पर, बेस्ट बुक फॉर डेटिंग एडवाइस, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें लिंक लगाना है, तो इसके लिए अपने चलते हैं डिजिस्टोर पर। और जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको अगर हम प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर $47 की हमें यहाँ पर अर्निंग हो सकती है। तो आपको इसका लिंक जनरेट करने के लिए प्रमोट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, आप इसको कटली बिटली किसी से शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस आना अपने स्पेस पर और जहाँ पर आप अपना लिंक लगाना चाहते हो उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पर देखो आपको कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक वगैरह, बुलेट मार्क्स वगैरह लगाना चाहते हो, इनवाइटेड कॉमा में कुछ लिखना चाहते हो, तो इन सब का फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी पोस्ट क्रिएट करने के लिए। अभी हमें लिंक लगाना है, तो यहाँ पर लिंक का बटन, इस पर आपने क्लिक करना है और जस्ट अपना URL यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ऐड का बटन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पर हमारा लिंक लग चुका है। यहाँ पे देखो ये जो लिंक है ये प्रॉपर वर्किंग है और यहाँ पर आप इसे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको एक लंबी लेंथी पोस्ट लिखनी है, अच्छे कीवर्ड्स उसके अंदर होंगे तो वो रैंक भी करेगी गूगल में,
आप रेगुलर यहाँ पर इस प्रकार से कंटेंट डाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो लिंक है हमारे पास, ये क्लिकेबल लिंक है, डायरेक्ट हमारे एफिलिएट लिंक पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बेसिकली, कि आपको रेगुलर यहाँ पे कंटेंट डालना है। बस एक चीज को ध्यान में रखना है, अच्छी टिप्स लोगों को दीजिए लव एंड रिलेशनशिप पर, आपने जिस भी कैटेगरी पर बनाना है ना उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट गूगल में ही मिल जाएगा। आप उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, खुद से क्वेश्चन बना करके, खुद से आंसर उसके अंदर डाल करके, और हर एक आंसर में, हर एक कंटेंट में, हर एक पोस्ट में आपको लिंक नहीं देना है, इस चीज़ से भी आपने बचना है। कम से कम लिंक का इस्तेमाल करना है आपने, और एक आप लैंडिंग पेज बना लीजिए जिससे कि आपका ये जो अकाउंट है वो सिक्योर भी रहे। डायरेक्ट लिंक देने से बचिए, आप अपना लैंडिंग पेज बनाओगे तो वो और भी सेफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली मेंबर्स आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये सर्च में भी आता है, लोग जब सर्च करेंगे, और आपकी अगर पोस्ट अच्छी लिखी होगी, ऐसी फ्रेंडली पोस्ट आप लिखोगे तो वो गूगल में भी रैंक करती है। तो आप लंबे समय तक अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना चाहते हो तो ये एक बेहतरीन मेथड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। आई होप कि जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हमें आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।